हेलो स्टूडेंट्स मैं रामस्वरूप जानी और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल आर एस एकेडमी तो स्टूडेंट्स वीडियो के इस सेशन में मैं आज बात करने वाला हूँ कैनमेटिक्स मतलब उसका फुल कॉन्सेप्ट का वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए जहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड काफ़ी सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट के साथ अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है लॉ ऑफ मोशन गति के नियम तो वो वीडियो भी देख लीजिए और ऐसे प्रैक्टिस सेट और आपकी जो कॉन्सेप्ट बैसे आपके टॉपिक है उनका वीडियो मैं रेगुलर लेकर आता रहूँगा जितना मेरे को टाइम मिलेगा पर डे के एक या दो वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा तो स्टूडेंट्स यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और टॉपिक के वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैं क्लियर करवाने वाला हूँ तो वीडियो के अंत तक बने रहिए आप मेरे साथ चलिए स्टूडेंट्स बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन के और यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के और दोनों से ही सौ परसेंट चांस होता है कि एग्जाम में आपको दोनों से दो क्वेश्चन मिल जाए या दोनों में से किसी एक में से एक क्वेश्चन सौ परसेंट आपको मिल जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए वीडियो में अंत तक बने रहिए कोई न्यूमेरिकल आपका यहाँ से गलत नहीं होगा इसकी गारंटी मैं देता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन जो फॉर्म्स की तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको तीन इक्वेशन दिए हुए मिलेंगे फर्स्ट जो आपका इक्वेशन है काफ़ी ज़्यादा काम में आता है वी बराबर यू प्लस ए टी का इसमें वी अंतिम वेग होता है किसी वस्तु के लिए यू उसका प्रारंभिक वेग होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है a उसका एक्सलेशन होता है और t t उसका टाइम होता है तो अगर सभी को मिलाते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन बनता है v बराबर यू प्लस ए ए टी स्टूडेंट डांस देख लीजिएगा इसको याद करना है किसी भी हाल में v बराबर यू प्लस ए टी उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स दो ए टी स्क्वायर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है एस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर तो ये आपके गति का द्वितीय समीकरण है जिसमें एस तय की डिस्टेंस है यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है टी फॉर टाइम है एक बटा दो ए यहाँ पे त्वरण है और टी वही टाइम जिसकी बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक में ये आपका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा काम में आता है नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस मैंने यहाँ पे अलग अलग इसको लिखा है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के रूप में आप इसको ध्यान रखिए जिसमें एस उसके तय की गई डिस्टेंस है ए एस है यू इनिशियल आपकी वेलोसिटी है और वी फाइनल वेलोसिटी है अंतिम वेग उसका दिया गया है तो ये भी फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा काम में आता है बट अगर ये जो इक्वेशन जिनकी अपन बात कर रहे हैं अगर वो इक्वेशन अपन बात करें अंडर ग्रेविटी इफेक्ट की बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर कोई गति हो रही है अगर कोई मोशन हो रही है तो वो कैसे इफेक्ट हो ये इक्वेशन उनमें क्या चेंज होगा तो उसके लिए देखिए बात करें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगर आप ये इक्वेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में देखते हो तो क्या चेंज होगा फर्स्ट जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स उसकी बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें चेंज केवल इतना होगा कि v बराबर यू प्लस जो ए टी आ रहा था उसकी जगह अपन जी टी कर देते हैं स्टूडेंट्स लेकिन मैं यहाँ पे प्लस की जगह प्लस माइनस कर रहा हूँ इसकी चीज में स्थिति क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा मतलब विपरीत दिशा में उसको फेंका जा रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन काम में लिया जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गिर रहा है मतलब उसकी वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे जो साइन लिया जाएगा जी का वो प्लस का लिया जाएगा ये चीज ध्यान रखिए प्लस माइनस को लेकर बच्चे गलती कर देते हैं पूरा टाइम वेस्ट करने के बाद भी आपका आंसर सही नहीं आता है आंसर गलत आ जाता है तो ये प्लस माइनस की चीज़ आपको ध्यान में रखनी है गलत नहीं हो जाए यहाँ से उसके बाद में बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स एच बराबर यू टी प्लस माइनस एक बटा दो जी टी स्क्वायर वही फॉर्मेट है उसमें एस ऊंचाई थी दूरी एस थी इसमें ऊंचाई एच है बराबर यू टी प्लस एक बटा दो जी टी स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस माइनस है स्टूडेंट्स वही ध्यान रखिएगा ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो माइनस का जी नीचे की ओर वस्तु आ रही है तो प्लस का जी ये चीज़ ध्यान में रखिए उसके बाद में बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच प्लस माइनस में यहाँ पर भी जी दिया गया स्टूडेंट्स तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच इसको भी अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर भी प्लस माइनस का पड़ा है ध्यान रखिए प्लस और माइनस को लेकर क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए आपका यहाँ वी है वो फाइनल वेलोसिटी है यू इनिशियल वेलोसिटी है प्रारंभिक वेग है टू जी एच तो जी आपका ए, मृतवित है और एच उसकी हाइट है ठीक है तो ये आपके तीनों फॉर्मूले हैं वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में हो गए गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के हो गए ध्यान से देख लीजिएगा नोमेरिकल जरूर से यहाँ से बन जाएगा अब बात करते हैं दूसरे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज के की और वो रहेगा स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है कैसे क्या है लैंग्वेज आपके सामने मैं लैंग्वेज रीड नहीं करा आप कर लीजिए मैं इसको कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देता हूँ उसको समझा देता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थोड़ा आगे डायग्राम पे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डायग्राम से सारी चीज क्लियर कर देता हूँ मैं जो भी लैंग्वेज थी उसकी यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट ए आपको नजर आ रहा है यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है फेंका गया है वो अधिकतम ऊंचाई बी पॉइंट तक पहुँचता है और फिर यहाँ पे क्षतिज प्रास के रूप में बिंदु धरातल सी पर पहुँच जाता है तो स्टूडेंट देखिए जब वो मोशन के लिए आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की ओर थ्रो किया फेंका तो उसकी इनोशियल इनिशियल जो वेलिसिटी थी प्रारंभिक जो वेग था वो था यू जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया था वो तो धरातल के साथ कौन बना रहा था स्टूडेंट्स थीटा तो थीटा कौन के साथ उसको फेंका गया वेग उसका यू था तो अब यहाँ पर आपको उसकी ऊंचाई के लिए घटक चाहिए वेलोसिटी का और प्रास के लिए जो डिस्टेंस है उसके लिए आपको उसका दूसरा घटक चाहिए तो उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है जो वेलोसिटी यू है इसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं इसका वियोजन कर दिया जाता है इसके पार्टीशन कर दिए जाते हैं तो जब इसको पार्ट करते हैं तो एक पार्ट किस के रूप में यू कॉसिटा आ जाता है दूसरा आता है यू साइन थीटा इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिसे याद रहेगा ये बेसिक स्ट्रेंड जिसके साथ ये कोण जुड़ा हुआ है जिस भुजा के साथ ये कोण थीटा जुड़ा हुआ है उसके साथ हमेशा सा कॉसिटा आता है और शेष जो भुजा बच के उसके साथ हमेशा सा क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा तो ये यू साइन थीटा हो गया एक और दूसरा हो गया यू कॉसिटा तो ये यू कॉसिटा क्षतिज प्रास के लिए ये डिस्टेंस के लिए आएगा इधर धरातल पर और ऊंचाई के लिए जो घटक उत्तरदायी होगा वो होगा आपका यू साइन थीटा तो ये आपके दोनों चीज़ के लिए गई अब बात करते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है जो अपने फॉर्मूला काम में आने वाला है उसकी बात करते हैं तो पहला फॉर्मूला स्टूडेंट्स है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कितनी देर तक अपन हवा में उसको रखते हैं जितनी देर वो हवा में रहता है जितनी देर एयर में रुकेगा वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का होगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको अपना समय बोलते हैं जितनी देर हवा में रहता है तो उसका फॉर्मुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स टी इक्वल टू टू यू साइनतीटा पोन जी टी इक्वल टू टू यू साइन तीटापोन जी टी फोर टाइम कितनी देर हवा में रहता है यू साइंथिटा यू उसका इनिशियल वेलोसिटी है और जी उसका गुरुत्व त्वरण है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेिकल जरूर मिलेगा आपको यहाँ से टी बराबर टू यू साइंटिटा पोन जी याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे की मैक्सिमम हाइट की कितनी ऊंचाई तक आपका ऑब्जेक्ट है वर्टिकल डिस्टेंस के रूप में तय करता है ऊपर की ओर कितनी ऊंचाई तक जाता है एच आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला काम में आएगा वो आएगा स्टूडेंट से एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी यहाँ पर आपको वर्टिकल जो डिस्टेंस है छत्तीस सॉरी जो ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला काम में लेना है एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थी टॉप टू जी तो स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे दोनों फॉर्मूले अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है अच्छे से फॉर्मूले को देख लीजिए यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं हो तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा काफ़ी अच्छा वीडियो था तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिए और यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि ऐसे ही टॉपिक और प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा तो तैयार रहिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए जो इंग्लिश का भी हो सकता है या फिजिक्स का हो सकता है जल्दी मैं आपसे मिलूँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम